राजनीति में एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। मैंने कब बोला है? नहीं, आज हम हिंदू मुस्लिम करेंगे ना। नहीं, आज हिंदू मुस्लिम हम नहीं करेंगे, ये तो नेता करते हैं। हम तो आपको बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम असलियत में करना होता क्या है। वैसे आरोप तो कांग्रेस पर, टीडीपी और अन्य विपक्षी दलों पे बहुत लगे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने के लिए तमाम तरह के हटकंडे अपनाते हो। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिमों के लिए अगर कांग्रेस जैसी सरकारी कुछ काम करती है, लेकिन 3 तलाक तो अभी जाके हटाया। ये बात तो सही है, जब फिर मामले से भटक रहे हो। चलो 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 भाई, पॉइंट पे आते, देखो मुद्दे पे आते हैं। आज बात होगी भैया टीडीपी वर्सेस बीजेपी। वर्सेस बीजेपी, एक मेज पे बैठे हैं तुम। अरे मेज भाई, देखो मोदी हम भाई भाई हम बैठे हैं, नायडू भाई भाई हम भी एक मेज पे बैठे हैं, तो भाई भाई नहीं है। भाई भाई दिल में किसके क्या है, किसने अंदर से देखा, जिसने देखा वो अपने आप दूर हो गया। अभी वो देखा गया नहीं है या फिर उसे अनदेखा किया जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन खबर ये है कि टीडीपी और बीजेपी अभी तो एक पेज पर है, लेकिन आने वाले समय पर किन वजहों से पेज पर नहीं होंगे वो हम बताते हैं। वजह साफ है भैया, टीडीपी जो है वो हमेशा से रही है मुस्लिमों के पक्ष में। मुस्लिमों के पक्ष में बोलो या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उनका। हाँ, एक अल्पसंख्यकों के लिए। हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, एक वोट बैंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल। और जब बीजेपी की हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ये स्टेटमेंट आप भी सुनिए। जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। अब मोदी जी की भैया ऐसी स्टेटमेंट आती है बीजेपी की साइड से, तो टीडीपी की आइडियोलॉजी से हमें पता चलती है, बीजेपी की आइडियोलॉजी से हमें पता चलती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना तो पॉसिबल है ना। यहाँ पे पॉसिबल है बॉस, पॉसिबल है। देखो अब लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लेक्स खिला देंगे। देखो अभी ना जब विधानसभा चुनाव हुआ है टीडीपी में, वहाँ आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी जीत गई, उसके यहाँ पे हमारे पास मैनिफेस्टो है, ये हमारे पास मैनिफेस्टो है टीडीपी का। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की गई है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आबादी कितनी है मुस्लिमों की? मुस्लिमों की आबादी है तकरीबन 7% के आसपास है। 7% आबादी है। 15 विधानसभाओं पर हाँ खासा असर डालती है मुस्लिम आबादी। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, ऐसे वादे जिन्हें सुन लेंगे तो भैया आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम ये बोलोगे कि तुष्टीकरण कांग्रेस से ज्यादा तो टीडीपी कर रही है, और बीजेपी और टीडीपी एक ही मंच पे। ये तो वही बात हो गई कि गुजरात मॉडल में बिहार मॉडल आ गया। समझ रहे हो? बिहार मॉडल से मेरा मतलब, अब भाई समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं। ठीक है, चलो टीडीपी घोषणा पत्र का सबसे पहला घोषणा क्या था कि जितने भी मुस्लिम होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक होगी उनको पेंशन दिया जाएगा। सिर्फ मुस्लिमों को, सिर्फ मुस्लिमों को धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर पेंशन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। सिर्फ मुस्लिमों को धर्म के आधार पर पेंशन दिया जाएगा, ये टीडीपी ने वादा किया बॉस। और ये वादा पूरा भी होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार बन चुकी है। हाँ, 135 सीटें आई है ना? 135 सीटें आई है, 175 में से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो मुस्लिम लोग, खासकर मुस्लिम जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, वो पेंशन लेने के लिए तैयार हैं। बाकी अगली ईदगाह और कब्रिस्तान की भूमि अलॉटमेंट को लेकर भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। हाँ, भूमि अलॉट होगी, मतलब बनेगी ईदगाह, वहाँ पे बनाए जाएंगे, नए नए ईदगाह का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है टीडीपी ने, ऐसा कहा है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने। रवि यार बात ये आती है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या नहीं हो सकता? किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। नहीं, टीडीपी बीजेपी के साथ कब आई? हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव में उससे पहले ही आई, उससे पहले आ गई। ठीक है, पर हमने भी नहीं सोचा था आंध्र प्रदेश और बिहार इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बीजेपी को टीडीपी के साथ साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। हमने भैया वीडियो भी बनाया था कि रिलेशन कैसे है, नीतीश बाबू, फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के बीच में। देखो चावल पुराना है, चिपकेगा तो चिपकेगा तो, और चिपक गए हैं तीनों, एक ही मेज पर आकर चिपक गए। लेकिन कभी कभी ना चिपके हुए चावल खाने में मजा देते नहीं है उतने। तो अब ये देखना होगा कि देश की जनता इस चिपके हुए चावल को खाने के लिए तैयार है कि नहीं। इसी के साथ हम अगले पॉइंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंटर्स मैं बता देता हूँ। वैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हाँ। अमरावती में एक हज हाउस बनाया जाएगा। हज हाउस क्या होता है पहले ये बता दीजिए भैया, हमको पता नहीं है हज हाउस। हज हाउस जैसे जितने भी हिंदू वर्ग के लोग हैं वो तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वैसे ही जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे या मुस्लिम आबादी है वो जाती है हज पे। मक्का मदीना, मक्का मदीना जी, काबा, मक्का मदीना, उससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। लेकिन हज हाउस बनाया जाएगा तो उसमें प्रोसेसिंग होगी कि कैसे इन्हें हज पर भेजना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन टाइप, डॉक्यूमेंटेशन टाइप ये सब, ठीक है। और मदद की जाएगी सरकार द्वारा मदद की जाएगी, हज हाउस बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंटर इससे रिलेटेड है कि हज करने वाले हर एक मुस्लिम को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी घोषणा है, बड़ी रकम है यार। अगर कोई स्कूल में 10वीं 12वीं में टॉप कर जाए तो राज्य सरकार इतना पैसा नहीं देती है यार। हमारे मध्य प्रदेश में 25,000 मिलते थे एमपी बोर्ड वाले, बताओ। और या फिर वो अपनी शक्ल वाले लैपटॉप बांट दिया करते हैं, स्कूटी बांट देते थे, साइकिल बांटते थे बस। लेकिन यहाँ पे हज करने पे 1-1 लाख रुपए धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति इतनी पक्की हो। देखो रवि, हज करवा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, पुण्य का काम है, हमारी भारत की संस्कृति भी रही है। लेकिन उसके चक्कर में वोट बटोरे जाए, राजनीतिक हित निकाला जाए, ये तो बहुत फिर गलत चीज है। क्योंकि टीडीपी और बीजेपी, नहीं तो टीडीपी का हाल भी बीजेपी जैसा हो सकता है। ये वीडियो अंत होते होते ना आप कमेंट करके बताना कि क्या एक पेज पर और एक मेज पर क्या सही में टीडीपी और बीजेपी आ सकती है। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये तो मैं ही बता देता हूँ, टीडीपी और बीजेपी एक मेज पर आ तो गई, पर लेकिन देखने वाली बात ये हुई कि कब तक रहेंगे साथ। वो चीज क्लियर नहीं है कि तन से आए कि मन से आए। अगर से आए, मन से आए, धन से आए या पद से आए। पद भूल रहे थे, धन भूल रहे थे। देखो ये तीनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, तन से भी आ सकते हैं लेकिन ये मन से कभी नहीं आ सकते। मन से नहीं आ सकते, जब विचारधारा ही अलग है। क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मन की तो बात कर रहे हैं पूरी क्लियरली। हमने सारे इनके मन में क्या क्या चीजें वो लिखी हुई है भैया। मन की बात तुम भी कहने लगे, माफी, कॉपीराइट किसी और का है क्या। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो जो मुस्लिम फैमिली है या जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे उनके लिए लोन की भी व्यवस्था की गई है विथ नो इंटरेस्ट। 5 लाख तक का लोन बिना किसी इंटरेस्ट के। आप अपने घर से निकलिए, किसी भी राज्य में रहते हैं, बैंक में जाइए, आप एक बार बोलिएगा बस बैंक में जाके कि भैया हमको लोन चाहिए, किसी भी सरकारी बैंक में चले जाइए ना। आपको 1 महीना चक्कर कटवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप किसी आम परिवार से आते हो, सिफारिश नहीं है आपके पास, 1 महीना से कम चक्कर कटवाया ना, उसमें भी सिविल चेक होती है, ये चेक होता है, वो चेक होता है, वेरिफिकेशन। बोलेगा आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, 10वीं में कितना नंबर, 12वीं में कितना नंबर, आपके बच्चे कितने हैं, नहीं है तो कितने होंगे, कितने करोगे, कब शादी करोगे, भैया गारंटी क्या है। कांग्रेस तो गारंटी दे जाती है, बीजेपी तो गारंटी दे जाती है, तुम लोन के लिए गारंटी की बात नहीं करते। गारंटी तो अभी सरकार के चलने की भी बहुत कम है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 5 लाख का लोन हो गया है, ठीक है। चलो अगली पॉइंट यार की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्चुअल वाला मैटर है कि जितने भी मौलाना वहाँ की मस्जिद में अपॉइंट किए जाएंगे उन सबको 10-10 हज़ार रुपये मासिक सैलरी दी जाएगी। 10,000 रुपये मासिक सैलरी। और फिर ये लोग कहते हैं भारत बेरोजगारों का देश है। डिग्री पूरी होने के बाद अपनी सैलरी कितनी होगी, अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। चलो भाई, तो ये बात है कि मौलानाओं को 10,000 तक की सैलरी जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट। और काजी जो मतलब थोड़े और शिक्षित माने जाते हैं मौलानाओं से, उन्हें और ज्ञात होता है, उन्हें तो सरकारी नौकरी दी जाएगी। अरे इससे ज्यादा मेरी मम्मी भी कह रही थी सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी तैयारी कर लें या काजी बन दोनों चीजों की तैयारी कर सकते हैं। देखो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ। काजी की तैयारी करेंगे, काजी भी बनेंगे साथ में सरकारी नौकरी। उसके लिए भी रवि पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी पढ़ना, ये फिर हमारे बस की नहीं है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर भाई 5,000 रुपये मस्जिद के रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। अब इसमें ये मासिक है, वार्षिक है, वीकली है, इसका ये अभी क्लेरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं है। वैसे जिस हिसाब से पैसे लुटाए जा रहे हैं ये तो दैनिक होना चाहिए, दैनिक। चलिए अगले पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंटर भी इसी से जुड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए मस्जिद को सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मस्जिद का नवीकरण हो सकता है, रेनोवेशन हो सकता है, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। है ना, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट पर बात कहाँ आती है रवि, ये फायदे देने चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, लेकिन समझ रहे, चुनाव के बाद, चुनाव की सरकार की आंध्र प्रदेश में सरकार बनने से पहले या चुनाव से पहले ये वादे किए जाए नहीं तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण होता है। हमारी शिकायत है ही नहीं कोई, करिए आप करिए, लेकिन हमारी शिकायत बस इतनी सी है कि ये सिर्फ मुस्लिमों को क्यों, मुस्लिमों को सिर्फ धर्म आया ही क्यों इसमें, है ना फैक्टर। फिर आप सबके लिए रखिए ये चीज, अगर आपको रखना है, अगर आप खुद को रवि धर्म आना चाहिए, एक बार को धर्म आए, अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन बात कहाँ आती है, बात जब चुनाव से पहले हो या सरकार बनने से पहले ये वादे किए जाएं तो फिर ये तुष्टिकरण हो जाता है। बिल्कुल। और जहां तक इस समय जो हालातों को हम देख रहे हैं, हालात हमारे सामने हैं, वो देखकर तो यही लग रहे हैं कि बीजेपी और टीडीपी एक पेज पर आ तो गई है, लेकिन मन जो है इनका मिलना मुश्किल है। इन आइडियोलॉजी के साथ तो बीजेपी और टीडीपी का मन कभी नहीं मिल सकता। और वो जो स्टेटमेंट सुना है ना हमने पीएम मोदी का, वो स्टेटमेंट सुनो आप, और उसके बाद आइडियोलॉजी चेक करो बीजेपी की, आइडियोलॉजी चेक करो टीडीपी की, और फिर खुद अपनी विचारधारा बनाओ। और अगर मान लो इन दोनों की सरकारी साठगांठ अच्छी बैठी तो 2029 में मुस्लिम वोट बैंक भी क्या बीजेपी के लिए आकर्षित हो जाएगा? वो तो मुझे मुमकिन नहीं, पॉसिबल, वो मुझे मुमकिन लग रहा है। अगर बीजेपी चाहे तो टीडीपी के साथ गठबंधन में रहे, चाहे कितना ही गठबंधन कर ले, गठबंधन सुनना पूरी बात, गठबंधन में रहे। खैर मोदी जी ने तो बातें कह दी है, खैर मोदी जी ने तो बातें 2 करोड़ नौकरी की भी की थी, ठीक है। मोदी जी ने तो बोल दिया है कि मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। हैट्रिक मारी है, 3 बार बोला, इसलिए मैंने भी 3 बार बोल दिया, ठीक है। मुझे साइकोपैथ मत समझ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब बात कहाँ आती है, अब इतनी सारी लाइनें हैं, अब इसमें से अगर ये सारे पॉइंटर्स में से आधे पॉइंटर्स भी टीडीपी अगर पूर्णता रूप से आंध्र प्रदेश में करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसे फायदा होगा, बीजेपी को एक कहने को मिलेगा कि हमारी गठबंधन की पार्टी ने, लेकिन इससे मुझे एक बात संख्याकों के बारे में भी सोचा, लेकिन इससे जो हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, वो भी तो आहत हो सकता है, पॉइंट है। खैर वो तो बहुत आहत हुआ फैजाबाद और समझ में भी आता है, उसके ऊपर इतना आहत हुआ है ना कि उसके ऊपर हम पूरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। बॉस चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखो अगला एक और पॉइंटर है, इसमें आखिरी पॉइंटर, फिर वीडियो रैपअप करेंगे। मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम्स में उनको तकरीबन उनको 5000 रुपये मासिक सैलरी, मासिक वेतन देने की बात कही गई, यानी कि पूरी तरीके से तिजोरी खोल दिया गया है टीडीपी की तरफ से कि आओ भैया लूट लो जितना लूट सको, और हमको बदले में सिर्फ वोट दे दो, है ना, बस वोट। और क्या चाहिए, ये आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और ये आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमने वीडियो के शुरू में ही बात किया था कि एक पेज पर आना बहुत मुश्किल साबित होता है, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है, चंद्रबाबू नायडू मोदी के आगे पीछे दिख रहे हैं, चीजें तो ऐसी चल रही है, एक मेज पे नहीं आएंगे तो सरकार कैसे बनेंगे। वैसे सरकार जो है अब ऑलमोस्ट बन गई है, बस कल जो है शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है यहाँ से तो पीछे हटना इनका, चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये वो सरकार बन रही है कि इसमें ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनको लोग पलटू राम कहते हैं, कब पलट जाए किसी को नहीं पता। तब तक के लिए हम पलट जाते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, मैं रवि मिश्रा, आदित्य के साथ, और रिसर्च में हमारी मदद की थी साहिल खान ने।